तो वो लोग तिरंगे का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने 52 सालों तक अपने नागपुर के कार्यालय में तिरंगा फहराने का काम नहीं किया। आज उन लोगों को तिरंगा नहीं लग रहा है, उनको तिरंगे के रूप में एक बहुत बड़ा कुछ अपना अहित होते नजर आ रहा है, क्योंकि वो गोडसे की विचारधारा के लोग हैं और गांधी विचारधारा को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, नहीं देने जा रहे थे। इसी क्रम में पता नहीं मुख्यमंत्री जी के यहाँ से क्या आदेश आ गया कि पुलिस एकदम से अग्रेसिव हो गई और कहा कि कोई भी तिरंगा यात्रा आज की तारीख में नहीं निकलेगी। सरकार का ये निर्देश है, योगी जी का ये निर्देश है। ये कल क्या हमको अब तिरंगा रोड पर लेकर चलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? भाई राष्ट्रीय पर्व था कल, हम लोग कोई आतंकवादी तो है नहीं, हम लोग शांति पूर्वक जा रहे थे और निकले भी नहीं थे अपने कार्यक्रम से, रोड के किनारे ही खड़े हुए थे कि इतने में ही पुलिस ने हमारे लोगों को दौड़ाया और दौड़ाकर किसानों को गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया, काम किया। और जो लाल किले वाली घटना है उसमें किसानों का कोई लेना देना नहीं, वो सरकार के प्रायोजित लोग थे। जो चेहरा नकाब हो बेनकाब हो गया सनी देओल जी का, जो सांसद आज है फिल्म एक्टर, उनके साथ जो उनका प्रचार कर रहा था भाजपा का कार्यकर्ता है, उसी ने ऊपर चढ़कर किसी संगठन का झंडा लगाने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जननायक एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं रजनीश वर्मा। आज हम यहां पर दशहरी मोड़ पर किसानों के साथ उपस्थित है। कल जिस तरह की यहां पर बर्बरता की गई पुलिस के द्वारा, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जहां पर ये लोग धरना दे रहे थे उस स्थल को भी खोद दिया गया, तो आइए हम जानते हैं इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों की गई और उस धरना स्थल को खोद क्यों दिया गया और इन लोगों को वहां से क्यों भगा दिया गया और क्यों इन लोगों की गिरफ्तारी की गई। आप परिचय दें अपना। मैं मनीष यादव, प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन उत्तर प्रदेश संयुक्त मोर्चा। कल आप लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया? पुलिस तो कह रही हमने गिरफ्तार किया ही नहीं है, पहली बात तो ये है। हमारा 17 तारीख से किसान यूनियन का जो 3 काले कानून, बिजली की बड़े दाम और ये जो स्मार्ट मीटर ट्यूबवेल पे जो मीटर लग रहे हैं, इन्हीं सब को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था जो अनिश्चितकालीन था, काफ़ी दिनों तक चल रहा था। लेकिन कल हम लोगों का 26 जनवरी का पर्व था, पूरा देश जब है त्यौहार था, गणतंत्र दिवस था, पूरा देश गणतंत्र दिवस के त्यौहार को मनाने का काम कर रहा था। उसी कड़ी में हम लोग भी तिरंगा हाथ में लेकर 2 बजे के बाद हमारे बगल में धरना स्थल से बगल में शहीद स्मारक है जहां पर ट्रेन लूट हुई थी, अंग्रेजों से ट्रेन लूटी गई थी हमारे शहीदों ने, उस समय के क्रांतिकारियों ने, हम लोग वहीं जा रहे थे, उनको पुष्प अर्पित करने जा रहे थे, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने जा रहे थे, श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। इसी क्रम में पता नहीं मुख्यमंत्री जी के यहाँ से क्या आदेश आ गया कि पुलिस एकदम से अग्रेसिव हो गई और कहा कि कोई भी तिरंगा यात्रा आज की तारीख में नहीं निकलेगी। सरकार का ये निर्देश है, योगी जी का ये निर्देश है। तो हम तो इस बात पर सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये हमारा विरोध नहीं, उन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया और ये वो लोग तिरंगे का विरोध कर रहे हैं जिन्होंने 52 सालों तक अपने नागपुर के कार्यालय में तिरंगा फहराने का काम नहीं किया। आज उन लोगों को तिरंगा नहीं लग रहा है, उनको तिरंगे के रूप में एक बहुत बड़ा कुछ अपना अहित होते नजर आ रहा है, क्योंकि वो गोडसे की विचारधारा के लोग हैं और गांधी विचारधारा को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो क्या पहले से ये जो कार्यक्रम तय नहीं था यात्रा का? नहीं, हमारा कार्यक्रम कल, ये बताइए कल क्या हमको अब तिरंगा रोड पर लेकर चलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? भाई राष्ट्रीय पर्व था कल, हम लोग कोई आतंकवादी तो है नहीं, हम लोग शांति पूर्वक जा रहे थे और निकले भी नहीं थे अपने कार्यक्रम से, रोड के किनारे ही खड़े हुए थे कि इतने में ही पुलिस ने हमारे लोगों को दौड़ाया और दौड़ाकर किसानों को गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया और ले जाकर जो स्थायी जेल है वहां पर जाकर बंद कर दिया, जाकर शाम को छोड़ा। उसके बाद जब वापस आए, किसान पूरे दिन के भूखे थे, वो लोग खाना खाने लगे, उसके बाद फिर 4-5 गाड़ियां और हमको लगता 600-700 पुलिस पूरे लखनऊ की आ गई और सबको जो है हम लोगों को फिर ले जाकर वहीं अस्थाई जेल ले गए। वहां से रात में 2 बजे हम लोगों को फिर वापस छोड़ा गया। हमने तो कहा था हमको जेल भेज दो भाई अगर हमने कोई गुनाह किया, लेकिन वो लोग इस पर भी तैयार नहीं। उन्होंने कहा बस किसी कीमत पर धरना नहीं होना चाहिए, सरकार का निर्देश है कि कोई भी धरना प्रदर्शन यहां पर नहीं होगा। ये जो था कि जो पहले से, जैसा कि दिल्ली में भी कल कहा गया था कि तिरंगा यात्रा निकलेगी और कल जो कि समय उसमें तय था 11 बजे के बाद, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कल वहाँ बर्बरता हुई दिल्ली में, तो क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, हम तो ये कहेंगे, आप देखिए लगभग 15 से 20 लाख किसान पिछले 2 सालों से दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़ा है। इस ठंड में बारिश भी हुई, आप लोग देख रहे थे, तमाम मुसीबतों को झेलकर किसान आंदोलन को सफल बनाने में लगे थे और कहीं ना कहीं किसानों का मूवमेंट, उनका आंदोलन सक्सेस भी हो रहा था। किसी तरीके की अनहोनी, किसी तरीके की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन जब पुलिस ने परमिशन दे दी तो जिस जो रूट हमें दिए गए थे उन रोडों पर बैरिकेडिंग लगाने का काम किया, और जो लाल किले वाली घटना है उसमें किसानों का कोई लेना देना नहीं, वो सरकार के प्रायोजित लोग थे। जो चेहरा नकाब बेनकाब हो गया, सनी देओल जी का जो सांसद आज हैं फिल्म एक्टर, उनके साथ जो उनका प्रचार कर रहा था भाजपा का कार्यकर्ता है, उसी ने ऊपर चढ़कर किसी संगठन का झंडा लगाने का काम किया है। तो हम समझते हैं इससे किसानों को ना जोड़ा जाए, किसान किसी भी तरीके से आंदोलन से हटने वाले नहीं है। किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे और आगे भी उनका शांतिपूर्वक आंदोलन चलता रहेगा। 60 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था जिसमें किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई और लगभग 150 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, जब तब नहीं हुआ तो अब क्या इस आंदोलन को कोई झटका लगेगा? नहीं, कोई झटका नहीं लगेगा। सरकार लगातार पहले दिन से आंदोलन को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन आंदोलन कहीं से टूटेगा नहीं। आप देख रहे थे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी फंडिंग, ये वो चीन, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए, लेकिन सब में किसान नेता और किसान संगठन जो है संयुक्त किसान मोर्चा, वहाँ पर बेदाग साबित हुआ और उन लोगों ने सिर्फ देश के किसानों की आवाज़ बनकर सरकार के कानों में पहुँचाने का काम किया है और वो लगातार उस पर अड़िग हैं और आगे भी धरना प्रदर्शन वहाँ अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, और अगर तीनों कानून वहीं वापस होंगे तो सरकार वापसी के बाद ही हम किसान घर वापस आएंगे, तब जो सरकार आएगी वो बिल वापसी करने का। अब तो बातचीत का भी दौर खत्म हो गया, अब तो जो है नरेंद्र तोमर जी ने कह दिया कि कोई बातचीत नहीं होगी अब। नहीं तो ठीक है, उनकी नज़र में किसान किसान है ही नहीं है, आंदोलनकारी आंदोलनकारी नहीं है। आपको याद होगा जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कुछ समय पहले वो सदन में जब वो गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, वो रोते थे सदन में कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हमारा इनकाउंटर करना चाहती है, हमको परेशान कर रही है। तो शायद आज वो भूल गए हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए जब कोई किसान नेता हो या कोई भी शख्स हो अगर आवाज़ उठा रहा तो उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी दिखाई दे रहा। हमें लगता है लोकतंत्र में ये बात अच्छी नहीं, आज लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है हमें नहीं लगता कहीं से लोकतंत्र बचा है। हमें तो लग रहा है फिर वही पुरानी अंग्रेजों की गुलामी याद आ गई है। इस तरीके से उन लोगों ने तिरंगा रास्ते पर लेकर चलने से मना किया था, धरना प्रदर्शन वो लोग मना करते थे, गोलियां चलवाने का, लाठियां चलवाने का काम अंग्रेजों का था। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों को अधिकार, हमें नहीं लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए। फिर इस चीज का हल कैसे निकलेगा? नहीं, हल निकलेगा, देखिए तमाम हल निकले हैं। आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी गई, तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, तमाम माओं ने अपने बेटों को बलिदान किया, तमाम नौजवानों ने फांसी चढ़कर देश को आज आज़ादी दिलाई, तो उस समय भी लोगों को लगता है शायद देश नहीं आज़ाद होगा, और आज भी लग रहा है लोग, कुछ लोग जो सरकार के सपोर्ट में हैं, ये सरकार के साथ हैं, जिनको देश से कोई मतलब नहीं है, गोडसे की विचारधारा के लोग, उनको लग रहा है कि ये जो है सरकार जो कर रही है सही कर रही है, लेकिन हमारे हिसाब से और तमाम देश के बुद्धिजीवी लोग भी आज सरकार के साथ नहीं है, देश के साथ हैं। ये लड़ाई देश बचाने की है, सरकार बचाने की नहीं है। नहीं, कल जैसी बर्बरता, जिस तरीके से दिल्ली में लोगों के जो है अधिकारों का हनन हुआ, जिस तरीके से हुड़दंग मचाया गया, अभी तक जो लोग जो किसानों के साथ थे कि हाँ शांतिपूर्ण ढंग से 60 दिन से बैठे हुए, कल जो हुआ तो क्या लगता है इसकी सिंपैथी आपको मिलेगी? कहीं ना कहीं आपका जो किसान दल जो सिंपैथिक हो रहा है लोगों को? नहीं, देखिए चेहरे बेनकाब हो गए हैं, तमाम मीडिया, NIA ने भी जिस व्यक्ति ने लाल किले पर झंडा लगाने का काम किया था, NIA ने उसको नोटिस भेज दिया है। वो भाजपा का ही व्यक्ति है, वो पुराने मोदी के साथ और तमाम भाजपा के नेताओं के साथ उसकी फोटो जारी हो गई, इसलिए उससे हमको नहीं लगता कि किसानों को जोड़ने की जरूरत है। और जो लाल किले में पहुंचे हैं वो सरकार की कहीं ना कहीं सांठगांठ है, अगर सरकार की सांठगांठ ना होती तो लाल किले के अंदर आप समझ रहे हैं परिंदा भी पर नहीं मार पकता है। ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।